नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। एक नजर डालते हैं उत्तराखंड की खास खबरों पर। उत्तराखंड का बजट 4 मार्च को गैरसैंण में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत बतौर वित्त मंत्री सदन में पेश करेंगे। माना जा रहा है कि चुनावी वर्ष में राज्य सरकार कई घोषणाएं कर सकती है। वहीं संसदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक का कहना है कि बजट में कई योजनाओं को रखा गया है, जिसमें बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिया जाने, किसानों की आय को दोगुना करने समेत विभिन्न वर्गों के लिए बजट में व्यवस्था की गई है। और वहीं उत्तराखंड के आयुष मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने पौड़ी के माल रोड पर बनने वाले जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अस्पताल का शिलान्यास किया है। हरक सिंह रावत ने बताया कि आयुर्वेदिक अस्पताल के साथ साथ इसमें वेलनेस सेंटर भी संचालित किया जाएगा, जिसमें योग आदि भी होगा, जिससे लोगों को स्वस्थ रख सकेंगे। हरक सिंह रावत ने बताया कि पौड़ी उनको अपना घर जैसा लगता है, यहाँ के लोगों ने उनका हमेशा सहयोग किया है। गैरसैंण में शुरू हो रहे बजट सत्र को लेकर संसदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र शनिवार को भी चलेगा। इस संबंध में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में समिति बन गई है। रविवार शाम को समिति और बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक हुई है, जिसमें विधायकों ने अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में अब तक के कार्यों की जानकारी दी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस बैठक में त्रिवेंद्र सरकार के 18 मार्च को पूरे हो रहे हैं 4 साल के उपलक्ष्य में सभी विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले कार्यक्रमों को बड़े स्तर पर मनाने की चर्चा भी हुई है। तो बैठक हुई है माननीय उपाध्यक्ष विधानसभा की अध्यक्षता में। पहली बैठक में जो दलीय नेता थे उनके बीच में बैठक हुई और सभी ने यह आश्वासन दिया, नेता प्रतिपक्ष ने, कि हाउस ठीक प्रकार से चलेगा, व्यवस्थित चलेगा और वो सहयोग करने के लिए भी उन्होंने कहा है। सैटरडे को भी हाउस चलेगा। उसके बाद विधानमंडल दल भारतीय जनता पार्टी की एक बैठक हुई है, उसमें सभी माननीय विधायकों के बहुमूल्य विचार आए हैं और सबने अपनी बातें रखी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी माननीय विधायकों से उनके क्षेत्र की समस्या से लगातार सब बातचीत की है। मैं समझता हूं कि ये सत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वहीं कुंभ मेले को लेकर अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी महाराज ने एक बार फिर सरकार से कुंभ को लेकर दिशा निर्देश और कार्यप्रणाली कर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में माघ मेला भव्य रूप से हो सकता है, तो कुंभ के आयोजन के लिए तमाम तरीके की पाबंदियां क्यों लगाई गई हैं और क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। कोरोना काल के समय माघ मेला होगा या नहीं होगा यह संशय बना था, और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के पदाधिकारी एवं संत महात्माओं का निवेदन उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने स्वीकार किया और उन्होंने कहा कि अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि मेला परंपरागत ही होगा, जैसे पहले माघ मेला था वैसे ये भी होगा। और उन्होंने विधिवत माघ मेला कराया, टेंटिंग की व्यवस्था की, टेंट लगे, क्लबवासी आए। मौनी अमावस्या के दिन सरकारी आंकड़े कुछ भी हो, मैं वहाँ मौजूद था, करोड़ों लोग स्नान करके गए। पूरे मेले के दौरान न तो किसी को कोरोना हुआ, न कोई बीमार हुआ, न कोई दुखी हुआ, कोरोना की बीमारी से किसी की मृत्यु भी नहीं हुई। यह सब देन माँ गंगा की है, गंगा मैया सभी कृपा बनाए रखें। हमारा कहने का मतलब यह है कि इसी तर्ज पे माँ 2021 का कुंभ मेला यहाँ के अधिकारी और सरकार कराए, निडर होकर आए। रुद्रपुर में होने जा रही किसानों की महापंचायत से पूर्व किसान नेता राकेश टिकैत ने काशीपुर में गगन कंबोज के निवास स्थान पर पहुंचकर पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि किसानों को MSP नहीं मिल रही है, किसान पहाड़ों से पलायन कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि उन्हें भी हिल अलाउंस मिलना चाहिए। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड में जंगली जानवरों से किसानों की फसलों को काफी नुकसान हो रहा है। जंगली जानवरों से बहुत नुकसान यहाँ किसानों को होता है। जो MSP है मोटे अनाज का, किसने भी जो कि यहाँ से पैदा होता है उस पर नहीं मिल रही, ये सारी दिक्कत है। और उत्तराखंड सरकार से भी और भारत सरकार से भी उनकी जो पॉलिसी है वो किसान विरोधी पॉलिसी है। किसान यहाँ से प्लान कर रहा है, नीचे आ रहा है पहाड़ से, पहाड़ हमारे खाते हो रहे हैं, तो पॉलिसी उनको प्लान कर रही है। सर, कितने लोग जो है यहाँ बॉर्डर पे जो है शहीद हो चुके हैं और अभी तक जो है उनकी कोई मांगे नहीं है? ज़्यादा किसान शहीद हो चुके हैं।
हरिद्वार में आयोजित हो रहे कुंभ मेला 2021 के लिए मेला प्रशासन ने लोगो को जारी कर दिया है। कुंभ मेले का ये लोगो मेला टीम के डिजाइनर द्वारा तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री और अखाड़ा परिषद की बैठक में लोगो को डिजाइन किया गया है, फाइनल किया गया है। अपर मेला अधिकारी रामजी शरण शर्मा ने बताया कि कुंभ मेले का लोगो स्वच्छ, सुंदर और सुरक्षित कुंभ का संदेश दे रहा है। सभी को लोगो का डिजाइन काफी पसंद आ गया है। गढ़वाल मंडल विकास निगम और उत्तराखंड पर्यटन विकास समिति की ओर से मुनि की रेती में गंगा घाट पर 7 दिवसीय इंटरनेशनल योग फेस्टिवल का शुभारंभ हो गया है। मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में कृषि मंत्री सुबोध उनियाल, जीएमवीएन के अध्यक्ष महावीर सिंह, आचार्य बालकृष्ण, स्वामी नरेंद्रगिरी और राज्य मंत्री कृष्ण कुमार सिंगल ने दीप प्रज्वलित करके शुभारंभ किया है। मौके पर उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय योग विभाग की टीम ने योग की क्रियाओं का प्रदर्शन किया है। इस वर्ष कोरोना की वजह से योग फेस्टिवल को सीमित किया गया है, जिसमें विदेशी साधक नहीं पहुंचे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। नमस्कार।